ये पांच आदतें आपको नेटवर्क मार्केटिंग का किंग बना देंगे। अगले 6 महीने, मात्र अगले 6 महीने, इन पांच आदतों पर यदि आपने काम कर लिया तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा डायमंड, शानदार डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ी कामयाबी हासिल आप कर सकते हो, लेकिन वो पांच आदतें क्या हैं, पांच स्टेप कौन से हैं जिसमें आपको करना चाहिए, और अपने नेटवर्क में डुप्लीकेशन यदि आपने कर दिया तो आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। इन पांच आदतों पे मैंने काम किया है और उसके शानदार रिजल्ट को प्राप्त किया है। आप इस वीडियो को ना गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि यदि आपने मिस कर दिया एक आदत, एक स्टेप भी यदि आपने छोड़ दिया ना, तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दिया, आप सीक्वेंस को समझ नहीं पाएंगे। तो गौर से, ध्यान से आपको देखना है। तो सबसे पहली आदत है मास्टर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग। आपको इस आदत पे ना मास्टरी हासिल करना है। आप जहां भी जाएं, आपके अंदर ऐसा फॉर्मूला, ऐसा तरीका होना चाहिए कि झट से मैंने प्रोस्पेक्टिंग किया और उसको प्लान दिखाया और कैसे मैंने फॉलोअप किया जिससे वो ज्वाइनिंग आ गई। तो आपके अंदर ऐसी स्किल होना चाहिए, आपको अपना ऐसा तरीका बनाना है जिससे आप ज्वाइनिंग को फटाफट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है मास्टरी ऑफ न्यू ज्वाइनिंग। दूसरा स्टेप है मास्टरी ऑफ होम मीटिंग एंड वेलकम मीटिंग। ये जो ब्रह्मास्त्र है ना, बहुत कमाल के ब्रह्मास्त्र हैं। आपको होम मीटिंग में एक्सपर्ट बनना चाहिए, और जैसी ज्वाइनिंग होती है तो वेलकम मीटिंग को करने के लिए एक्सपर्ट बनना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपके नेटवर्क में ज्वाइन होता है तो 48 से 72 घंटे के अंदर आपको वेलकम मीटिंग करना है, उसके पास जाना है और कैसी कैसी बातें करना है जिससे वो मोटिवेट हो इस बिजनेस को करने के लिए, आत्मा से बाहर आए और उस बिजनेस को करने के लिए जी जान लगा दे। ऐसे आपके पास फॉर्मूले होनी चाहिए, ऐसी आपके पास PDF होना चाहिए, ऐसे आपके पास डाटा, फैक्ट, फिगर होना चाहिए कि 48 से 72 घंटे के अंदर मैं इस व्यक्ति को इस बिजनेस को करने के लिए मजबूर करा दूंगा। तो ऐसा फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद आपको होम मीटिंग जो है इसको करना आना चाहिए कि चलिए सर, आप तो इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हो गए हैं, अब हम ये चाहते हैं कि आपका नेटवर्क इसमें बने, आप इसको अकेले नहीं कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे, तो आप यहाँ पर एक होम मीटिंग रखिए। तो आपको यदि होम मीटिंग और वेलकम मीटिंग करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करिए ना, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, एक परफेक्ट तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको मास्टर करना है वेलकम मीटिंग में और होम मीटिंग में। बहुत फायदे हैं इसके, बहुत ज़्यादा रिजल्ट आते हैं। 100-100, 150-150, 200-200 ज्वाइनिंग आप एक एक महीने में निकाल सकते हैं, बहुत पावरफुल तरीका। अगला पॉइंट है मास्टरी ऑफ राइट स्टार्टअप। आप जिस व्यक्ति को ज्वाइनिंग करा रहे हैं ना, उसको ऐसा राइट स्टार्टअप का आपको सिस्टम बनाना है जिससे वो व्यक्ति आपके जैसे काम करने लग जाए। किन किन बातों को उसको सिखाना है, कौन कौन सी बातों से दूर रखना है, सब कुछ कंप्लीट लीडर आपको बना देना है। आपको अगले 6 महीने का टारगेट लगाना पड़ता है, और उसके बाद आप उसका राइट स्टार्टअप कराना यदि चालू कर देते हैं, वो व्यक्ति सफलता हासिल करना चालू कर देता है और आपके जैसे न्यू ज्वाइनिंग, वेलकम मीटिंग, होम मीटिंग इसमें एक्सपर्ट आप बना देते हैं, तो ये समझ जाइए आपने उसका राइट स्टार्टअप कर दिया है, सही टेक ऑफ सिस्टम को आपने लागू कर दिया है। जब वो व्यक्ति सही तरीके से काम करने लग जाएगा, आपकी सफलता आगे बढ़ने लग जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगला स्टेप आता है मंथली प्लानिंग। आपको मंथ की जो प्लानिंग करना है ना, वो 1 तारीख को ही करना है। जब आप 1 तारीख को सभी को टारगेट देंगे, सभी से टारगेट लेंगे कि आप कितना कर सकते हैं, आपको क्या अंदाजा है कि इस टारगेट से आप कितना काम निकाल सकते हैं, आप कितना अचीवमेंट करेंगे, तो आपको टारगेट लेना है और उनको टारगेट देना है, एक प्लानिंग देना है।
जो व्यक्ति एक तारीख को ही विजन और रीजन सब कुछ सेट करके अपने टीम को सही करता है और लक्ष्य के लिए आगे करता है, ये भी एक मास्टरी है। ये बिना प्लानिंग के नहीं हो सकती, आपको इसकी प्लानिंग को करना चाहिए और बढ़िया तरीके से करना चाहिए। इसको सीखना पड़ता है कि कैसे एक माहौल बनाया जाए, कैसे एक जूम मीटिंग में लोगों को एक तारीख को 10 बजे ही अरेंज करना है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। और मंथली प्लानिंग यदि आपको नहीं आता तो आपको कमेंट करना है, बताइए, हम उसका सलूशन आपके पास लेके आएंगे, आप बताना भर। उसके बाद आपने जब मंथली प्लानिंग को मास्टरी कर लिया ना, उसके बाद अगला स्टेप आता है मास्टरी ऑफ ट्रेनिंग एंड लीडर डेवलपमेंट। आप एक लीडर हैं और लीडर क्या करता है, बहुत सारे लीडरों का डेवलपमेंट करता है, और जिसको ये कला आ जाती है ना, उसका फिर जो बिजनेस होता है रॉकेट की तरह आगे बढ़ता है। और यदि आपने इन पांचों स्टेप में अच्छे से मास्टरी हासिल कर लिया, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में लोगों को सही तरीके से अटैच कर दिया, तो आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। एक चीज और आपको बता दूं कि आप ये चाहते हैं ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज्वाइनिंग करा के और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी करा के अपने बिजनेस को बढ़ा लूँगा, तो ये एक गलत फहमी है। आप एक बार तो बढ़ा सकते हैं लेकिन हमेशा ग्रोथ नहीं ले सकते। हमेशा ग्रोथ यदि आपको चाहिए तो लोगों का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, लीडर पैदा करना पड़ेगा, और वो संभव है ट्रेनिंग एंड लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम से। आपको नहीं आता कि लोगों को कैसे सिखाना है, आपको सीखना पड़ेगा, ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप कैमरे के सामने, दर्पण के सामने प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे मेरे को लोगों को बोलना है। आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है यार, आप यहाँ टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना आए हैं। आपको यदि सीरियसली इसको काम करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। नहीं बन रहा है, पैर कांप रहे हैं, गला सूख रहा है, फिर भी आपको इस बिजनेस को करना है, तो आप सीखिए, लोगों के सामने जाइए, अपने आप को ढकेलिए, क्योंकि आपको कोई ढकेलने वाला नहीं है। तो आप इन सारे स्टेपों में मास्टरी हासिल कीजिए और फिर आप अपनी ग्रोथ को देखिए, इतनी बढ़िया तरीके से आपकी ग्रोथ होती है। तो उम्मीद करता हूँ इन पांचों बातों को सही तरीके से आपने सीखा होगा और लागू भी किया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।